ठीक है, ये सेक्शन ऊपर से करेगा, ठीक है। हाँ 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 सही घुमा के ठीक है। इधर थोड़ा ये निकाल के एयर निकालने के बाद फिर टाइट करके उसका देख वो ऑन हो जाएगा। एयरलॉक बता रहे उसको दबाना नहीं है कुछ भी, ये जैसे मान लिया एयर लग गया ना, एयर खोल देना है फिर ऑन को तो ये फ्यूल निकलेगा और फिर कस देना, जब फ्यूल आना शुरू हो गया बस उनको समझा दूंगा, हीटिंग होता ना वो टाइम में उनको भी समझा दूंगा, पहले इनको समझा दूंगा वो टाइम में हीटिंग करते हैं 10 मिनट 5 मिनट वो टाइम में उनको भी समझा दूंगा। आप पहले अपन गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ी लेने के टाइम में पहले टायर क्लीन कर लेने, टायर बोल तो कचरा गिरे तो फिल्टर फोर फिल्टर जल्दी चोक कर, टायर जल के क्लीन करके अंदर लेने के बाद पहले लाइट ऑन कर लेंगे, फिर बाद में लेफ्ट ब्लॉक ऑन कर लेंगे, ये पेंटिंग मोड में लगा लेंगे, ये बाकी कुछ भी कर लो वो टाइम, अब पेंट करते हैं ना वो टाइम में ये ऑन कर लेंगे, ये दो ऑन करके ये दरवाज़ा खुला रहेगा फिर उसका डस्ट पूरा अंदर आ जाएगा, पेंट करने के टाइम में ये ऑन कर लेने का, पेंट पूरा कंप्लीट हो गया बंद ये ऑफ कर लेने का, आपको पेंटिंग से हीटिंग करना है और अंदर का टेम्परेचर है 28, अपन को 60 आए तक उसका टाइम स्टार्ट होता है, फुल गाड़ी मारे 20 मिनट्स आपको तो मालूम ही रहेगा, पंपर ऐसा मारने 5 मिनट में लगा देने का, ये टाइम सेटिंग है अभी इसका 20 29, ये 60 आने के बाद इसका टाइम स्टार्ट होगा, ये 60 आ गया बोल के बंद नहीं करते वो आप करते आगे के अंदर आ जाते हैं, फिर 5 मिनट कंपलसरी चलाना पड़ेगा, ये 60 आने के बाद ऑटोमेटिक खत्म होगा, फिर टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिक आना पाना मेंटेनेंस कम होगा, फिर 30 आना 60 आने के बाद वो 60 वाला मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ ये अपन गाड़ी मार देते हैं वो हिसाब से टेम्परेचर सेट कर देते हैं, फुल गाड़ी मारे 20 मिनट्स ऐसा पंप मारो ऐसा आधी गाड़ी मारे वो हिसाब से टाइम सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जगह, जब भी अगर ये हीटिंग में चलाइएगा तो ये ऑन नहीं होना चाहिए, ये जीरो पे लगा के भी पेन नहीं मारने की कभी भी यूज कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है जीरो पे नहीं रहना चाहिए पेंट मारने, पेंट में पेंट ब्रेक और को ब्रेक में पेंट अगर नहीं मार रहा है तो उसके बाद उसको ऑफ कर देना, ये दो पेंटिंग के टाइम पे रहने का, अभी पेंटिंग नहीं मारे तो पूरा रख दिया तो ये बाहर का पूरा गंदगी खींच लेगा, जब खींच लेगा पूरा खींच लेगा बाहर अंदर आ जाएगा, और वो टेम्परेचर वोल्टमीटर का बता दो, वोल्टमीटर का है अभी भी आपको मोटर डोर कुछ भी नहीं चला कुछ भी साउंड आया तो ये देख लेने का, पहले स्टार्टिंग 300-400 वोल्टेज में तीनों रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कुछ भी कांटा डाउन हुआ तो ऐसे ही नहीं चला रहा मोटर जल जाए, मोटर जलेगा ठीक है, 400 वोल्ट पे होने, हाँ 400 वोल्ट में रहेगा तो कम नहीं चलता है, कम मतलब 390 पे भी चलता है चलेगा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, नहीं, नहीं कि किसी में 200 है और दो को में 400 तो उस वक्त नहीं चलाना है, 200 में चलेगा लाइट ऑफ हो जाता है, ठीक है। अंदर का जो भी है दरवाजा कैसे खोलना है कहाँ क्या है दरवाजा कैसे खोलना मालूम है, उधर से गाड़ी डालना है इधर से पेंटिंग करना,
जब गाड़ी निकालना तो फिर फ्रंट और एक लीवर टूटा हुआ है अभी मेन का, लीवर आता है तो चल अंदर जाएंगे तो अंदर का भी प्रोसेस क्या क्या होगा? हाँ, अंदर का प्रोसेस, वो जो लेबर है, आपको टाइगर लगा है, उसका क्या वर्क है, उसमें क्या कभी भी मीटिंग में था वो भी बता दो। मीटिंग के टाइम ये ऑफ रहेगा पेंट करने, और कभी भी जो है पहले इनलेट चलाना फिर एग्जॉस्ट चलाना, ऐसा नहीं कि पहले एग्जॉस्ट चलाए फिर बाद में इनलेट चलाना। बोकर में हम कर चुके वहाँ का पेंटर लेता तो हम किए हुए थे दो रोज के लिए। अच्छा, वहाँ के लिए यही सेम तो यही। देखो अभी वो जो ग्रीन है ना, वो जब एयर लॉक होगा तो वो रेड हो जाएगा। हाँ, नहीं चलेगा वो। अभी ये देखो हीट कितना आ रहा है। आइए रंजीत जी, इतना भी नहीं है कि जल जाएगा आदमी, इतना बर्दाश्त नहीं करेगा, पैसे नहीं कर पाएगा। गर्म अभी तो, अभी सर्दी है, अभी तो हो सकता है। ये खाली ग्रिल निकाल करके अभी ये 5 मिनट में बंद हो जाएगा खुद से। नहीं, 3 मिनट लगा दिया हमें, 5 मिनट का डीजल वेस्ट। 3 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तब तक आप अभी फिर रनिंग हो गया, टेम्परेचर कम हो गया ना। टाइमिंग कैसे सेट करते हैं बता दें? कौन सा टाइमिंग हुआ सेट किया हुआ उसको? ये है सेटिंग, ये बढ़ाने का, ये कम करने का, जैसे 10 मिनट का डालना तो अपने ये इसको बढ़ाने का या कम करने का। ये रिसेट बोल दो आपको, 3 मिनट होने के बाद ये दबाए तो फिर ऑटोमेटिक फिर हीटिंग हो जाएगा, मतलब फिर जब डीजल जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा। रुक के क्या निकल गया उसी का, उस पास के गाड़ी लेके निकलो। 3 मिनट अभी फिर आप गाड़ी अभी हीटिंग नहीं हुआ बोले तो फिर ये इसको दबा देना, फिर आ जाएगा जीरो से टर्निंग। 3 मिनट चला, 3 मिनट अभी ये समझ गया। अभी इसमें कभी भी ट्रिप हो जाएगा, ऐसी चला तो लाइट ऑफ पूरा आ रहा है, ये ऑन नहीं है, छोटा है अंदर चले। अभी ट्रिप होता है ना उसके बारे में, जैसे रीसेट करने की बात हुआ वही चीज़ है। अभी भी अन्य हो रहा बोल के आपको मालूम पड़ता ना, वो ट्रेन में इधर देख लेना, कुछ भी किधर भी शॉर्ट सर्किट हो सब बाहर निकल जाता है, इमरजेंसी ट्रिप हो जाता है। आपको डैम्पर बताऊंगा, और डैम्पर वो वाला समझ लीजिए, उसको बाहर नहीं सेटिंग कीजिएगा।
वो डक्ट वाला आएगा तो वो डक्ट बाहर को करेगा, इसका वाला भी पेंटिंग मोड में क्लोज रहेगा, आपको क्लोज वाला था। हाँ ब्रेकिंग, अब तक ब्रेकिंग मोड था ना, एटिंग चला ना, उसमें ऐसा था स्ट्रेट था, उसमें रिसाइकिलिंग होता है, वो बाहर का पेंटिंग मोड में क्लोज हो जाएगा, वो पेंटिंग मोड में लगा है ना, ये जो दिख रहा है ना डाउन हो जाएगा। हाँ वो नहीं, वो क्लोज हो जाएगा, ऐसा पूरा एक लेवल में हो जाएगा, ऐसा फ्रेश एयर ऐसा लेगा, ये अंदर का ही रोटेशन को हीट को घुमाते रहेगा वो, इसीलिए कि बाहर एयर कंट्रोल करेगा। हाँ एयर कंट्रोल करता है उसके लिए दिया हुआ, लेकिन वो कैसे होता है।